And we've also heard from the family there of Aman a short while ago. Let's take a listen to what they say. Joining me now is Manoj Sharma, the father of 6-year-old Aman Sharma, who died of dengue after being refused treatment by several hospitals in Delhi. Sir, times now se baat karenge, dhanyawad. Aman ki kis sthitiyon mein mrityu hui? Aap please pehle bataiye hame. Ye uski hospital walon ki lapravahi ki wajah se mrityu hui. Agar hospital wale thoda sa dhyan se uske upar ilaaj sahi chalta to uski mrityu bilkul nahi hoti. मनोज जी, आप अमन आपका बेटा था 6 साल का, क्या उसको क्या डायग्नोज हुआ था, क्या प्रॉब्लम डायग्नोज हुई थी और फिर कहाँ कहाँ आप लोग गए इलाज के लिए? वो जब पहली बार उसे अगर बुखार आया तो नज़दीक के डॉक्टर से दिखाया, अगले दिन ब्लड टेस्ट कराया, उससे अगले दिन ब्लड टेस्ट गोदरेज में कराया, उससे अगले दिन रिपोर्ट आई, उसी दिन सफदरजंग में दिखाया. सफदरजंग वालों ने बोला कोई परेशानी नहीं, अच्छा खासा लड़का है और इसे कहीं ले जाना नहीं, अगर कोई दिक्कत आएगी तो मेरे पास ले आना. उन्होंने हाथ लगा के भी नहीं देखा कि लड़का ठीक है नहीं है, कोई उन्होंने टेस्ट भी नहीं किया, बस ऐसे ही भेज दिया घर पे. हमने सोचा कि अब लड़का अच्छा, बुखार भी उतर गया, अच्छा खासा खेल रहा है तो कोई परेशानी नहीं. उसकी रात को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, फिर हम जीवन हॉस्पिटल लेके गए. जीवन हॉस्पिटल के अंदर उन 2 दिन रहा. उन्होंने जीवन हॉस्पिटल वालों ने रात को 2:30 बजे मना कर दिया कि भैया हमारे पास इतनी मशीनरी नहीं है, आप किसी और हॉस्पिटल में, आप मूलचंद या होली फैमिली में देख लीजिए. मूलचंद लेके गए रात को. मूलचंद वालों ने बोला कि हमारे पास बेड नहीं है. फिर बेड उन्होंने मैक्स का फ़ोन नंबर दिया हमें, मैक्स और बत्रा वालों का, बत्रा उनको फ़ोन किया तो उन्होंने भी मना कर दिया. रात काटनी थी तो हम फिर सफदरजंग लेके पहुँचे. सफदरजंग में देखा डॉक्टर, आधे 1.5 घंटे तक हाथ लगा के देखा नहीं. नर्स को बोला डॉक्टर ने चेक कर लो, वो दांत फाड़ के हंसने लगी लेकिन देखा भी नहीं. फिर मेरे पास फ़ोन आया कि बत्रा के होली फैमिली के अंदर एडमिट हो जाएंगे. होली फैमिली, तो मैं बच्चे को वहीं से होली फैमिली लेके आ गया. होली फैमिली वालों ने एडमिट किया, फिर उसका वहाँ पे से ट्रीटमेंट हुआ. लेकिन उस चक्कर में दो ढाई घंटे उसके बर्बाद हो गए. सवेरे ठंड में मोटरसाइकिल पे लेके घूमते रहे बच्चे को, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ. होली फैमिली वालों ने किस तरीके का इलाज किया और उसके जो डेथ सर्टिफिकेट है उस पर क्या लिखा है, कॉज ऑफ डेथ क्या लिखा है? कॉज ऑफ डेथ डेंगू लिखा है. आप लोग पहली बार सफदरजंग कौन सी तारीख को कितने बजे गए, उसके बाद किस किस हॉस्पिटल में किस किस डॉक्टर से मुलाकात हुई, पूरे तरीके से बताइए. डॉक्टरों के नाम तो मैं बता नहीं पाऊंगा. एक मिनट, उसके कार्ड है मेरे पास, वो कार्ड मैं दिखा दूंगा आपको. ठीक है, पर आप कौन सी तारीख को सफदरजंग गए, फिर कितने बजे, आप लोग समय और टाइम बताए. विस्वितवार को हम सफदरजंग गए सवेरे. ठीक है, सवेरे करीब 9 बजे के आसपास. उसके बाद वही उन्होंने मना कर दिया देखने के लिए, कोई परेशानी नहीं है. उसके बाद हम लेके आ गए वापस. हमने कहा कि अगर कुछ है ही नहीं परेशानी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं. उससे अगले दिन ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, फिर हम जीवन हॉस्पिटल ले गए. ठीक है, और जीवन हॉस्पिटल में वहाँ पर किससे मुलाकात हुई, कितने बजे जीवन हॉस्पिटल पहुँचे थे? जीवन हॉस्पिटल हम जीवन हॉस्पिटल गए थे करीब 4-5 बजे शाम को. तबीयत जैसे जैसे उसकी ज़्यादा ख़राब होने लगी, सवेरे तो इतना नॉर्मल था कि हल्का सा बुखार चढ़ा था, कि वही जैसे पहले चढ़ा था नॉर्मल. उन्होंने बताया कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है. और उससे हमें दवाई दी थी सफदरजंग वालों ने, हमने वो दवाई दी कि ताकि उससे शायद इलाज रिलैक्स मिले. लेकिन उससे फिर जब बिल्कुल आराम नहीं मिला तो फिर हम लेके गए जीवन हॉस्पिटल. कहाँ पर है वहाँ पर, किस डॉक्टर से बात हुई आपकी, कौन सा जीवन हॉस्पिटल? एक लेडी डॉक्टर थी, नाम तो मैं आपको कह रहा हूँ नहीं बता पाऊँगा. लेडी डॉक्टर थी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वही देख रही थी. उसके बाद नेक्स्ट कहाँ गए आप लोग? नेक्स्ट मूलचंद गए. मूलचंद में किससे मुलाकात हुई? मूलचंद में एमरजेंसी में दिखाया था. एमरजेंसी में फिर दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि बेड ही नहीं है हमारे पास, तो हम कहाँ से, आप पूछिए बेड अगर आपको मिल जाता तो. अंदर गए, उन्होंने बोला कि बेड हमारे पास बेड खाली नहीं है. मूलचंद के बाद कहाँ पर गया? मूलचंद के बाद में वहाँ से हमें बोला कि फ़ोन करके फ़ोन नंबर ले लो, पता कर लो. फिर फ़ोन किया मैंने,
मैक्स के अंदर किया बत्रा में किया था? मैक्स उन्होंने फोन नंबर एक्चुअली वहीं पर से मिला था मेरे को हॉस्पिटल में से और बत्रा का नंबर दिया था तो बत्रा में भी फोन किया तो बत्रा में भी मना कर दिया। उन ये दोनों फोन नंबर मूलचंद में ही मिले थे मेरे को। ठीक है। उसके बाद रात काटनी थी कहीं नहीं मिल रही थी जगह तो हम फिर सफदरजंग लेके पहुंचे लेकिन सफदरजंग वालों के बिहेव देख के डॉक्टर रात को कह रहा कि ये मर नहीं जाएगा। हमने बोला डेंगू हो रहा है इसे ध्यान से देखो। डॉक्टर कहता है कि ये मर नहीं जाएगा तुम आराम करो। पौना घंटा लग गया लेकिन उन्होंने नहीं देखा। हमारे पड़ोस में फोन आया कि ये कौन सी तारीख का किस समय का वक्त है जब आप सफदरजंग में थे और आपको ऐसा बोला गया? संडे की सबेरे को। अच्छा। तो जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है उसी दिन सबेरे। अच्छा। उसकी रात को मृत्यु हुई है सुबेरे के टाइम ऐसा बोला गया था। सफदरजंग के बाद कहाँ पर आप गए? सफदरजंग के बाद होली फैमिली गए थे। और वहीं पर उसको वहीं पर क्या उनको मृत घोषित किया गया? हाँ हाँ जी वहीं पर उनको मृत्यु घोषित किया गया। इलाके में भी बहुत गंदगी देखी जा रही है उस वजह से डेंगू हो सकता है, क्या प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर और अस्पतालों के रवैये को लेकर? प्रशासन के अंदर तो कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ पे इतना नाला भर जाता है इतनी लाइटिंग बहती है अगर थोड़ा सा आप थोड़ी देर भी रुकेंगे तो देखेंगे नाले का पानी बाहर निकलने बहना शुरू। थोड़ा आगे जाके देखिए लाइटिंग तक बह रही है।